तो थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर फ्रैंक को. सो थैंक यू मिस्टर फ्रैंक टू प्रोवाइडिंग मी दिस सोल्डिंग स्टेशन फॉर रिव्यू एंड एज अ गिफ्ट. सो ये इतनी सस्ती है कि आपका मन ललचा जाएगा इसको खरीदने के लिए. और अगर आपका मन ललचा जाए ना और इसको खरीदना चाहो तो इन नंबर पे कांटेक्ट करना. सगुन खरीदने जाओगे तो 10,000 के ऊपर है और उसमें एक ही बिट मिलती है. यहाँ पर आपको 3 बिट मिल रही है. तो ये है T210 चाइना का सबसे पहला, इंडिया में पहली लॉन्चिंग. इसकी पहली पन्नी हम निकालेंगे. ये देखिए फील हो रहा है जैसे आईफोन की पन्नी खोल रहा हूं. दोस्तों इस आरएन में ना जेबीसी की बिट लगा लो, जेबीसी का पैन लगा लो. मतलब आप ये जेबीसी 25,000 खरीदने के अच्छा है इस मशीन को खरीदो जो कि सुगुन से भी बहुत सस्ती है. हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की. जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत. सो हमारे YouTube फैमिली कैसे आप सभी लोग. दोस्तों इस चैनल पे इंडिया में पहली बार एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहा हूँ और वो है हॉन्गकॉन्ग का T210. और ये अभी चाइना से मुझे हाल में मिला है और ये मुझे मिला है मिस्टर जेडेक्स मलिक सर की तरफ से और मुझे ये मिला है हॉन्गकॉन्ग टीम की तरफ से. चाइना बेस्ड कंपनी है जो कि आईफोन ट्रेनिंग या रिपेयरिंग के सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे टूल्स भी बनाती है. मैं उनके काफ़ी टूल्स यूज़ करता हूँ और मेरे इंस्टीट्यूट में भी हॉन्गकॉन्ग के ही टूल यूज़ होते हैं. सो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसकी पूरी रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू, मैं एक टेक्नीशियन की नज़र से करूँगा ना कि एक यूट्यूबर की नज़र से. क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ अभी आप हाली डॉट पे, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ जेबीसी है क्योंकि मुझे उससे अच्छा बेस्ट कोई आ रहा नहीं लगता है. मेरे पास सुगुन भी है, मेरे पास मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा जो सोल्डिंग आयरन होगा मार्केट में जो मेरे पास नहीं होगा. मेरे इंस्टीट्यूट में हर तरह के सोल्डिंग आयरन को मैंने रखा हुआ है और पर्सनली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जेबीसी है. पर जेबीसी दोस्तों बहुत महंगा होता है, 25,000 रुपये के ऊपर तक, 24-25,000 का एक आयरन होता है. उसकी बिटी अगर हम बात करें तो 2,500 की होती है, पैन की बात करें तो 5-6,000 की होती है. और अगर उसके बाद की कैटेगरी की बात करें तो सुगुन सबके पहले, सबसे इंडिया में सबसे पहले नंबर पे सुगुन आता है. तो सुगुन का जो रेट है वो 10,000 के ऊपर है. और अगर उसकी बिट की बात करेंगे या फिर अगर मैं उसके पैन या वो सब की भी बात करूँ तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. बट दोस्तों सुगुन में केवल एक बिट मिलती है पर ये हॉन्गकॉन्ग आपको 3 बिट ऑफर कर रहा है और वो भी रेट आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे. मतलब आप सुगुन से भी बहुत कम रेट में ये मिलेगा. तो रेट मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, बने रहे वीडियो में. तो ये इंटेलिजेंट तो है साथ में स्मार्ट भी है जो कि सुगुन नहीं है. इसको आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसके आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, टेम्परेचर मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें आप देख सकते हो. और दोस्तों इसका जो इंटरफेस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसमें साउंड दिया हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों ही इसको बनाती है. मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर फ्रैंक को. सो थैंक यू मिस्टर फ्रैंक टू प्रोवाइडिंग मी दिस सोल्डिंग स्टेशन फॉर रिव्यू एंड एज अ गिफ्ट. मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इसके बारे में अभी देखते हैं कि क्या इसमें बेस्ट चीज़ है, क्या इसमें एडवांटेज है, क्या कौन से सब सारी चीज़ों की हम इसी बात करेंगे टेक्निकली रिव्यू एक टेक्नीशियन की तरफ से. दोस्तों ये इतनी सस्ती है कि आपका मन ललचा जाएगा इसको खरीदने के लिए. और अगर आपका मन ललचा जाए ना और इसको खरीदना चाहो तो इन नंबर पे कांटेक्ट करना, जेडेज मलिक सर या इरफान अंसारी मुंबई. सो आप इनको कांटेक्ट कीजिएगा और ये मशीन आप इसको परचेस कर सकते हैं. बट अभी आइए चलते हैं टेक्निकली रिव्यू. और टेक्निकली रिव्यू जो होने वाला है मैं इस आयरन को कंपेयर करूंगा जेबीसी के साथ. दोस्तों इस आयरन में ना जेबीसी की बिट लगा लो, जेबीसी का पैन लगा लो. मतलब आप ये जेबीसी 25,000 खरीदने के अच्छा है इस मशीन को खरीदो जो कि सुगुन से भी बहुत सस्ती है और सुगुन से ज़्यादा अच्छी है. ये एक इंटेलिजेंट के साथ एक स्मार्ट आयरन है और जो कि इंडिया में अब सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है. और ये मेरे वीडियो के थ्रू है और इसके बहुत सारे वीडियो और भी आते रहेंगे. सो आइए चलते हैं और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में और साथ में इसको यूज़ करते हैं. बहुत सारे आयरन में आपने देखा होगा 2-3 सेकंड में टेम्परेचर आता है, इसमें दोस्तों 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड में ये अपने टेम्परेचर पे आ जाता है और 1 सेकंड में ही ये स्लीप मोड पे चले जाता है. बहुत सारे आयरन टेम्परेचर में आने के बाद स्लीप मोड पे जाने के लिए टाइम लगाते हैं, उनको धीरे धीरे आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है. ये एक बार में 1 ही सेकंड में स्लीप मोड पर डाल देता है जो कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है. कुछ ना कुछ तो खास बात है इसमें और जो इसको खास बनाती है. और ये मशीन मुझे लगता है कि हर कोई टेक्नीशियन इसको ले सकता है. और सुगुन के दिन गए, अब आ गए T20. सो मेरे को लगता है सुगुन के दिन तो चले गए दोस्तों, अब आ गए T210.
और ये आयरन की, अब ये आयरन की क्या खासियत है आइए बात करते हैं टेबल पे। तो चलिए दोस्तों इस प्रोडक्ट को हम कंपेयर करेंगे हमारे JVC मशीन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने JVC का आयरन भी रखा हुआ है और यहाँ पर मेरे दो प्रोडक्ट हैं, ये मेरा T210 फोंगकोंग का एक इंटेलिजेंट सोल्डिंग आयरन और 2.4 इंच डिस्प्ले के साथ, कलर्ड थीम डिस्प्ले के साथ, क्योंकि आपको नॉर्मली जितने भी सोल्डिंग आयरन होते हैं उसमें कलर थीम नहीं मिलती है, इसमें कलर थीम आपको देखने को मिलेगी। और 3 स्पीड क्विक टेम्परेचर स्विचिंग के साथ में ये आपको मिलेगा और उसके साथ भी आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर रियल टाइम मेमोरी यहाँ पर आपको देखेंगे आप, स्मार्ट स्लीप सेंसर है इसमें और उसके अलावा 3 मॉडल्स इसमें आते हैं, एक T12 जो से लोअर मॉडल है, T210, T245। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ और दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ओवर प्रोटेक्शंस, ओवर करंट, OBP, OCP, पावर प्रोटेक्शंस, शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर, पे अटेंशन टू मॉइस्चर, मतलब पे अटेंशन अगर इसमें पानी लगता है तो ये इस तरह का एरर भी दे देगा, प्रिवेंट सन्स एस, मतलब ये मतलब इसको धूप से थोड़ा सा बचाइएगा, पुट अप यहाँ पर लिखा हुआ है, पुट अप, डू नॉट प्रेस एंड टेक इट लाइटली, तो ये तीनों चीज़ें ना बताइए कि भाई ये थोड़ा सा आराम से इसको चलाइएगा। तो अगर मैं बात करूँ फोंगकोंग का यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी इसका पैकिंग तो मुझे अच्छा लगा है, जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही है पैकिंग। यहाँ पर लिखा गया है कि मटेरियल जो इसमें यूज़ किया है वो एक एल्यूमिनियम अलॉय का मटेरियल यूज़ किया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसमें इस प्रोडक्ट का साइज़ बताया गया है, वेट 4480 ग्राम का वेट है, पैकिंग वेट जो है टोटल अगर पैकिंग की बात करेंगे तो 850 ग्राम का है और ये 110 वोल्ट से 220 वोल्ट में चल जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज इसका आप देख सकते हैं 24 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज है, 450 मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर तक ये राइज होगा, मिनिमम 100 डिग्री टेम्परेचर तक ये मिनिमम जाएगा। और ये चाइना की आपकी कंपनी का इन्होंने एड्रेस वेड्रेस दिया हुआ है और ये फोंगकोंग की वेबसाइट है जिससे आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या मिलता है। तो नोटिस कीजिए एक आपको मैनुअल बार मिलता है, एक आपको मैनुअल प्रोग्राम, एक आपको स्क्रिप्ट मिलती है और जिसमें आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। और इसमें यहाँ पे चाइना दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, तो हर चीज़ को सेट करने के लिए, तो ये इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं और चाइना में भी आप पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या दिया हुआ है, तो ये मेन प्रोडक्ट जैसे कि मैं बात करूँगा, ये देखिए, तो ये है T210 चाइना का सबसे पहला, इंडिया में पहली लॉन्चिंग, इसकी पहली पन्नी हम निकालेंगे, ये देखिए फील हो रहा है जैसे आईफोन की पन्नी खोल रहा हूँ। तो F के मतलब फोंगकोंग, C210 कुछ इस तरह का है, एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ मटेरियल का। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी और अगर मैं इसको जूम करके आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाऊँ तो आप देखिए स्लीप इंटरफेस, मतलब यहाँ से ये आपका स्लीप पे जाएगा, यहाँ पर अगर जो भी हम इसका प्रोब लगाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे ESD प्रोटेक्शन देख रहे हैं जो कि हमारा एंटी स्टैटिस प्रोटेक्शन है, क्योंकि OBP OCP इस प्रोडक्ट को ओवर करंट से बचाएगा, एंटी स्टैटिस प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है अगर आप ये प्रोब लगाएंगे ग्राउंड के साथ। ठीक है, और ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये इसका पावर केबल का बटन है और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको टाइप सी का एक पॉइंट मिल रहा है, तो जिससे आप अपने कंप्यूटर से लगा के इसको मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये एक स्मार्ट भी है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें और आपको क्या मिल रहा है, तो ये इसका पैन है। तो अगर मैं इसके पैन की बात करूं और मेरे सामने एक JVC का मशीन है जिसकी कीमत लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये है और जैसे कि मैंने बताया मैं इसी मशीन से काम करता हूँ। और दोस्तों आप कितने ही यूट्यूबर का वीडियो देख लो पर आप बेस्ट रिव्यू एक वही दे पाएगा जो यूज़ करे। सो देखिए पैन कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पर रबर सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, ग्रिप सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, और ये मेरा JVC का पैन है। सो आप देखिए आपको ना के बराबर अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही लाइट वेट पैन है जैसा JVC का है। आप नोटिस कीजिए दोनों का अगर आप थिकनेस बात करें तो यहाँ पर JVC की ब्रांडिंग है अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पर
फोंगकोंग की ब्रांडिंग है और यहाँ पे एक मॉडल नंबर दिया हुआ है, LLM लिखा हुआ है। तो आप पर सबसे बेस्ट क्या है इस मशीन की, इस मशीन की खासियत सबसे बेस्ट मुझे ये लगी है कि इस मशीन के अंदर मैं फोंगकोंग का, इस मशीन के अंदर ना मैं GBC का पेन भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब इसका पेन मैं इस मशीन में यूज़ कर सकता हूँ। तो भाई अगर आप GBC का पेन भी परचेज कर लेंगे तो आपको GBC है ये तरह से, आप इसको आप सोचो 7 से 8 हज़ार में आप GBC परचेज कर रहे हो, क्या ही आप बोल सकते हो भाई इसके ऊपर। ये तो सबसे बेस्ट लगा, तो मैं तो ये अपने इंस्टीट्यूट में जो मेरी टेबल है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, मैं ये इसको वहीं रखूँगा और अब इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो ये इसका पेन है और इसका पेन हम पीछे लगा देते हैं। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, तो ये देखिए इस तरीके इसका पेन लग जाता है। अब इसको रख देते हैं साइड में, अब देखेंगे कि इस बॉक्स में और क्या हमें मिला। तो ये पावर केबल है, ठीक है, और जैसे कि आप देखें स्लीप मोड केबल और आपका ESD केबल, प्रोब्स जिसको हम बोलेंगे। तो पहले हम इन दो केबल को भी यूज़ कर लें और लगा के छोड़ दें। तो आप देखिए कि जैसे आपको ये केबल मिलेगी, ये नोटिस कीजिएगा, और तो आपको क्या करना है, एक सिरा निकाल देना है इसका, ठीक है, और इसको पीछे इस तरीके से प्रोब में आप लगा दीजिएगा। तो ये ESD हो गया, आप नोटिस कीजिए मैंने इसको इसमें से निकाल के इसमें से लगा दिया है, और दूसरी केबल ऑलरेडी निकली है तो उसमें भी आया हुआ है, बट तो हम इसको यहाँ लगा देंगे। तो आप देखिए मैंने तीनों केबल का यूज़ कर लिया, ये स्लीप मोड की केबल है, तो ये स्लीप मोड की केबल है, ठीक है, और ये जो केबल है ये मेरे ESD प्रोटेक्शन की केबल है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे इस मशीन को और देखेंगे कि हमें क्या मिला है, और जो मेन चीज़ हमें मिली है वो है बिट। अब ये आप देखिए 3 बिट आपको मिल रही है, और इसकी क्या मशीन की जो कीमत है वो लगभग 8,000 रुपये है, और आप नोटिस करो आप सगुन खरीदने जाओगे तो 10,000 के ऊपर है और उसमें एक ही बिट मिलती है, यहाँ पर आपको 3 बिट मिल रही हैं। और ये तीनों बिट अगर मैं बात करूँ अलग अलग टाइप की बिट हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको ये 9 बिट मिल रही है, यहाँ पर मैं बात करूँगा ये आपको स्ट्रेट बिट मिल रही है, और इसमें अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आपको कर्व बिट मिल रही है। तो तीनों बिट आपको दी जा रही है यहाँ पर, और अगर इस बिट को कंपेयर करूँगा मैं JBC से तो ये एक ही है, क्योंकि ये JBC की बिट को सपोर्ट करता है विथ हैंडल। बहुत सारे RN से बिट को सपोर्ट करते हैं पर ये हैंडल को भी सपोर्ट करता है। ये नोटिस करो ये मेरी JBC की बिट है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम मैं तो दोनों ही यूज़ करके दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो में बने रहना। मैं इसकी बिट भी इसमें लगाऊंगा, मैं इसका हैंडल भी इसमें लगाऊंगा और सारी चीज़ मैं इसको यूज़ करूंगा। तो तीनों बिट आपको मिल जाएगी एक ही दाम में, और ये आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं इसको रख लेता हूँ और एक बिट को ही यूज़ करूँगा, और आपको तो पता ही है हम ज़्यादातर जो बिट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 9 बिट। तो इस बिट को यूज़ करते हैं, और दोस्तों इस तरह के जो ढक्कन होते हैं उसमें पुरानी बिट यूज़ करके आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पैन में बिट लगाएंगे इस तरीके से, ये लग गई, नोटिस करो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट, अब हम दूसरे बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं जो इसके साथ में आया हुआ है, और ये इसका हैंडल है स्टेशन का जिसको हम बोलेंगे। तो ये आपका हैंडल मिल गया, काफ़ी भारी है, इसका भी एक मैनुअल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस मैनुअल में यही लिखा हुआ है कि कहाँ पे आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों को ये बेसिकली जो सोल्डिंग स्टेशन जो हैंडल होते हैं इनको भी यूज़ करना नहीं आता है सही तरीके से माने तो। सो ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए और नेक्स्ट टाइम इसको आप पूरा की पूरा यूज़ कर सको। और देखिए 2 स्पंज दिए हुए हैं यहाँ पर, बिट क्लीनर बोल सकते हैं आप इसको, तो ये बिट क्लीनर जैसे वर्क करते हैं, और एक बिट क्लीनर ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
बबल रैपिंग आपको दी हुई है, एक बिट क्लीनर ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है और दो एस्ट्रल दिए हुए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा दे रहे हैं यार, ये तो तीन तीन बिट जेबीसी वाला पेन, तीन तीन बिट जेबीसी वाला पेन, और या तो जेबीसी का ही लगा लो। और इसके साथ इतना हैवी एल्यूमिनियम अलॉय का ये आपको दिया जा रहा है, ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। नीचे आप देख सकते हैं कि रबड़ की यहाँ पर पैड दिए हुए हैं ताकि इसको रखें, तो ये एक तरह से एंटी स्टेटस प्रोटेक्शन भी बना कर रख रहा है साथ में। और ये देखिए इस तरह से पैन यहाँ पर चला जाएगा, नोटिस कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आइए इसमें सारी केबल को इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी यहाँ पर आप नोटिस करो, तो ये जो स्लीप मोड वाली केबल है इसको यूज़ कर लेंगे। तो वो केबल कहीं पर भी लगा देना, आपको ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी लगाना है। ये देखिए, ये मैंने केबल लगा दी इधर, है ना, ये नोटिस करो। अब उसके अलावा केबल यूज़ करेंगे एंटी स्टेटस वाली केबल, तो उसको भी मैंने यहाँ लगा दी, नोटिस करना। ये देखिए, तो ये दोनों केबल यहाँ यूज़ हो गई हैं मेरी, ठीक है। और अगर मैं इसकी पूरी बात करूं तो आप इसको केबल को कैसे, आप इस हैंडल को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस कैटलॉग में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हर चीज़ यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप नोटिस कर रहे हैं ये बिट ओपनर है कि आप इस, ये देखिए, तो आप इसको बिट को यहाँ पर गरम बिट को भी आप हाथ से मत पकड़िए, अगर आपको बिट चेंज करनी, ये देखिए आसानी से बिट को निकाल सकते हैं और इसको इजीली लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, आप बिट को इस तरीके से जो आपकी अलग बिट आती है आप उसको नीचे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, स्पंज यूज़ कर सकते हैं, बिट क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ दी हुई है। अच्छा, स्लीप मोड केबल का एक्सटेंशन केबल है, आप उसको यहाँ पर पीछे भी लगा सकते हैं। देखिए पीछे भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ, तो नोटिस कीजिए, ये देखिए। तो इसमें हालांकि एक होल दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर पीछे, बाकी इसके जो अपर मॉडल होंगे उसमें आप नोटिस कीजिए, इसके पीछे भी अगर मैं बात करूं इस तरह का एक स्लिप सॉकेट दिया हुआ है जिसके अंदर हम ये केबल लगा सकते हैं, बट ये इसमें भी काम कर जाता है, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इतने कम प्राइस में यार, इतने कम प्राइस में इतना सब कुछ कैसे मिल गया मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। सो आइए देखते हैं, तो इसकी केबल को इंसर्ट करेंगे। अब इसको ऑन करने का टाइम आ गया है। तो देखिए फोंगकोंग की ब्रांडिंग, वाओ, और देखो स्लीप पे चला गया, नोटिस करो। जब जैसे ही ये ऑन होता है, मैं इसको फिर से ऑन करूंगा, तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, देखिए ऑन बंद करने के बाद भी कुछ देर बाद बंद हुआ है डीसी को। तो अगर मैं बात करूँ, देखो अब इसको ऑन करूंगा, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखिए फोंगकोंग की ब्रांडिंग, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, और पूरा कलर डिस्प्ले, कलर थीम के साथ बनाया हुआ डिस्प्ले। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें, नोटिस करना कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए 330, 360, 450। और देखो आप इसको एक ही बटन से यहाँ पर तीनों को चेंज कर सकते हो, कहीं पे कौन चैनल पे जा सकते हो, ये चैनल से आपके। और अगर मान लो 330 को आपको चेंज करना है और 350 करना है, तो सिर्फ ये अप डाउन, ये देखिए ये अप डाउन, इससे आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, इसे कम कर सकते हो, एक प्री सेट ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पर। और अगर मैं चैनल को बात करूँ, ये 390 कर सकते हो, 360 कर सकते हो, और इसको 420 या बात करें 390 कर सकते हो। और अगर मैं 420 की बात करूँ, और अब देखो कितने सेकंड में, नोटिस करना कितने सेकंड में ये उठा, स्लीप मोड भी एक सेकंड में गया और स्लीप चला गया है। और यहाँ पर देखिए टेम्परेचर वो वापस 110 की डिग्री सेल्सियस पे जाकर स्टेबल हो जाएगा, जिसको भी हम और कम कर सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग है इसके अंदर। देखिए उठा रहा हूँ, ये देखिए 420 एक सेकेंड में, ये देखिए एक बार उठाने के बाद सिर्फ एक सेकेंड में, देखिए एक सेकेंड में जाएगी
यहाँ पर, तो ये काफ़ी कमाल है। और अगर यही चीज़ मैं अगर अपनी JBC में करूँ, नोटिस करना JBC में, ये उठाया, ये देखिए 360 में गया, वापस रखा स्लीप मोड, JBC की सबसे बेस्ट क्वालिटी, रखते साथ स्लीप मोड, हालांकि वो टेम्परेचर अंदर डाउन करता है, ये देखिए 360, तो 2 सेकेंड लगा मुश्किल से, ये 8 सेकेंड, ये देखो 370, नोटिस करना ये देखो। तो JBC है, हम उसको कंपेयर किसी के साथ नहीं कर सकते, बट इतना खरीद भी नहीं सकते ना यार, 25,000 रुपये का आइटम है। बट अगर मैं बात करूं अब इस पेन को, हमें इस पेन के साथ लगा सकता हूं, तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूं, और ये बिल्कुल देखते रहना, क्योंकि आपको ये फील हो जाए कि सर ये पेन को एक बार लगा के दिखा दो, कहीं एरर तो नहीं आ रहा है किसी प्रकार का। सो आइए इनको लगा देते हैं। तो देखिए, तो मैंने मशीन को दोनों को बंद कर देता हूँ, आप नोटिस करो, इस पेन को निकाल देता हूँ, तो देखिए पेन को निकाल दिया है, JBC के पेन को भी निकाल देता हूँ, तो देखिए JBC के पेन को भी निकाल दिया है। अब ये वाला पेन JBC के पेन में लगाऊंगा, अब देखिए अभी मैंने बिट चेंज कर रहा हूं दोस्तों, आप नोटिस करना, ये देखिए इसकी बिट मैंने JBC में लगा दी। अब नोटिस करो, पहले JBC में इसकी बिट चलाते हैं, ये देखिए JBC, देखिए ये देखिए, नोटिस करो कोई एरर नहीं आ रहा है, बिट चल रही है आराम से, ये देखिए कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये नोटिस करो, ये रख दिया, ठीक है। तो अभी ये तो हमने बिट चेंज की, अब JBC की बिट को इसके पेन के साथ चलाएंगे, इस RN के पेन के साथ, जो JBC की ओरिजिनल बिट है, या तो बात करें, हालांकि मैं OSS की बिट यूज़ कर रहा हूँ, देखिए तो देखते हैं कि कोई एरर आता है कि नहीं आता है, नोटिस करना, मशीन को चालू किया है, JBC की बिट इस RN में लगाई है, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए देखिए स्लीप मोड पे चला गया, लगाई, देखिए उठाया, इसको भी यूज़ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर तो इसको भी यूज़ करता हूँ, देखिए ये देखिए JBC की बिट लगाई है मैंने, देखिए स्लीप पे चला गया, निकाला, देखिए क्या ही बात है यार, कमाल है यार, JBC की बिट सपोर्ट कर दी। अब पूरा पेन की पेन चेंज करता हूँ, नोटिस करना, पूरा पेन की पेन चेंज करता हूँ, ये पेन मैंने निकाल दिया, आप नोटिस करो, और मैंने मशीन को ऑन किया हुआ है विदाउट पेन, तो एरर आ रहा है, विदाउट पेन मशीन को ऑन किया है तो एरर आ रहा है। अब मैं JBC का पेन निकालूंगा, देखिए ये JBC का ओरिजिनल पेन है दोस्तों, इस पे आप ब्रांडिंग दे सकते हैं JBC की। तो इस पेन को मैं इस मशीन के साथ यूज करने वाला हूं, राइट, और देख रहा हूं कि क्या है वाकई में, जैसे मैंने कहा था ये JBC का पेन सपोर्ट कर लेगा ओरिजिनल, मतलब आप पूरी JBC वाली फीलिंग ले सकते हो यार,
एक्चुअल आप पूरी जेबीसी का पूरा जेबीसी का 25,000 रुपए की फीलिंग, जेबीसी का पेन, आप पूरी जेबीसी की फीलिंग ले सकते हो इस मशीन के साथ। तो नोटिस करना, इसका पेन लगा देते हैं, ये देखिए, वाओ स्लीप मोड, देखो एरर चला गया, ये देखो कौन सा पेन, जेबीसी का, ये देखो स्लीप मोड, क्या बात है, ये देखो नोटिस करो। तो ये खासियत है इसकी कि आप इसमें जेबीसी का पेन यूज कर सकते हो। तो आइए और चलते हैं अब इसमें, इसके अंदर के इंटरफेस से और थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझते हैं। नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट और लेफ्ट ये मेन्यू है, ये आपका चैनल है, चैनल में आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन्यू की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पूरा कलर थीम है। तो सबसे पहले जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको चाइनीज़ में मिलेगी, तब आप क्यों क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, चाइनीज़ में मिलेगी तो क्या करना है, क्योंकि मेरे को भी ये चाइनीज़ में मिली थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। देखिए तो सबसे पहले आपको ना ऐसे मिलेगी चाइनीज़ लुक में, जब आपको चाइनीज़ में मिले ना तो आप इसको कैसे इंग्लिश करना, तो ये देख लो आप इसके मेन्यू का बटन दबाना और उसके बाद में आप नीचे जाते जाना पांचवें नंबर पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 नंबर पर जाना और ओके करना, कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रेस कर देना तो ये इंग्लिश हो जाएगी। तो नोटिस करो 7 नंबर पे, याद रखना 7 नंबर पे है, और अगर आप भूल गए तो मैनुअल पढ़ लेना, मैनुअल पे यहाँ पर नंबर्स बताए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पे लैंग्वेज सेटिंग दी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी सेटिंग हैं जो आपके कुछ काम की हैं कुछ काम की नहीं है, जैसे स्लीप सेटिंग है। अब स्लीप सेटिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पर 110 को टेम्परेचर को हमने यहाँ पर सेट करके रखा है कि अगर इसको स्लीप में भेजना है तो 110 तक जाएगी, मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, देखिए ये देखिए स्लीप टेम्परेचर में आने के बाद मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसके टेम्परेचर को मैं ज़्यादा कम, जैसे 200, तो मैं चाहता हूँ कि और मैं जल्दी स्लीप टेम्परेचर, मतलब ये होता है कि सबसे बेस्ट कि मैं चाहता हूँ कि ये स्लीप 200 पे ही स्लीप हो जाए, तो 200 पे जाकर स्लीप हो जाए और लोअर में ना जाए, तो मैं 200 पे इसको सेट कर देता हूँ। अब नोटिस करो तो अब क्या होगा, तो ये अब 200 डिग्री सेल्सियस पे स्लीप चली जाएगी, तो जैसे ही उठाया तो 200 से ही उठेगी और 200 से उठेगी, नोटिस करना, तो 200 से उठेगी और 400 या जितने पे भी जाएगी, ठीक है। और अगर उसकी बात करूँगा, क्लोज टाइम दिया हुआ है और ये साउंड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप किस में देखना चाहते हैं, सेल्सियस में देखना चाहते हैं कि आप फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, सिस्टम इन्फो, थीम, सबसे अच्छी चीज़ है आप इसमें थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ ब्लू, तो देखिए ये ब्लू में आ गई, पर ग्रीन में ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो ग्रीन कर लेते हैं, ऑरेंज भी अच्छा लगेगा, ये देखिए तो ये इस तरह का येलो जैसा दिखाई दे रहा, ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो ग्रीन पे एक बार कर लेता हूँ, ये देखिए। और इसके साथ हम बात करेंगे, रिसेट दिया हुआ है, आप इसको पूरा रिसेट कर सकते हैं मशीन को, थीम कलर, सिस्टम इन्फो ले सकते हैं, तो ये मशीन का मॉडल नंबर और सारी चीज़ आ जाएंगी, लैंग्वेज, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, यूनिट स्विच जैसे डिग्री सेल्सियस, साउंड, ये साउंड को बंद कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो कि साउंड की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों ओवरऑल ये जो फोनकॉन का T210 है ये एज़ कम्पेयर विद JBC मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप JBC परचेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको JBC चलाना है तो JBC की बिट परचेस कर लो और इसमें लगाओ और JBC की बिट चलाओ, और वो भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7,000 में या 8,000 में JBC की बिट ही दे रहा है,
ठीक है, ब्रांडिंग जेबीसी की नहीं है पर जेबीसी की बिट दे रहा है, और जो जेबीसी की बिट को सपोर्ट कर ले तो सोचो कि उसमें क्या है। नोटिस करो, जेबीसी की बिट को सपोर्ट कर रहा है यार। इसको परचेस करने के लिए मैंने आपको नंबर सर का दे दिया था स्क्रीन पे, सो आप इसको परचेस करने के लिए मैंने नंबर दे दिया था, तो आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं, मेरा रिकमेंड है, क्योंकि 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको एक ऐसा आयरन मिल रहा है जिसकी टक्कर सगुन से नहीं है, जेबीसी से है। सो मुझे लगता है कि आयरन आपको परचेस करना चाहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।